यूपी की योगी सरकार योजनाओं को लोगों तक पहुंचा रही है। घर घर सौहार्दपूर्ण वातावरण के संकल्पों को पूरा करने के लिए मात्र 5,000 रुपयों के स्टाम्प शुल्क से रक्त संबंधियों को संपत्ति हस्तांतरण करने की योजना का प्रदेश की जनता को लाभ मिला है। मात्र 3 महीनों में 1,30,596 दान पत्र पंजीकृत हुए हैं। इससे विभाग को 449 करोड़ की आय प्राप्त हुई। स्वतंत्र राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में और विभाग के इस निर्णय के बाद से परिवारों में सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित हुआ है। परिवारों में अधिकांश विवाद अचल संपत्तियों में बंटवारे को लेकर होता था, जिसके कारण न्यायालय में मुकदमों की संख्या भी अधिक होती थी। इन सबके समाधान के लिए पारिवारिक सदस्यों के मध्य अंचल संपत्तियों के हस्तांतरण पर लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी को 6-7% से घटाते हुए मात्र ₹5,000 अधिकतम करने का एक बड़ा निर्णय लिया। पूरा दान क्यों देगा? पीछे बैठे हैं अजय, और आप सबको शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश में एक नई पहल किया गया था घर घर में सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश से ही सांसद माननीय मोदी जी, कल्चर, संस्कृति, संस्कार, इन तीनों के लिए काफ़ी सजग रहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसी पर काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में घर घर में सौहार्दपूर्ण वातावरण कैसे हो, झगड़े कम हो, मुकदमे कम हो, इसमें भी निबंधन विभाग ने एक नई पहल किया। उस नई पहल का नतीजा था कि 3 महीने के अंदर 1,30,000 लोगों ने इसका उपयोग किया। बस रेवेन्यू के बारे में बताना था कि रेवेन्यू के बारे में जैसे सर ने बताया कि हम लोगों का पिछले 3 महीने, पिछले साल जब 21 की बात करें हम, तब हम लोगों ने 20,000 ही गिफ्ट डीड किए थे और उसमें 230 करोड़ रुपए मिले थे। और इस बार हमने जब उसको कम कर दिया है तब भी हमारे 1,30,000 के आसपास गिफ्ट डीड हुए हैं और रेवेन्यू 449 करोड़ हुई है अभी 3 महीने।